सर ये बहुत ही अनपेक्षित है क्योंकि 170 एमएम पानी ये 6-7 घंटे में पड़ा है, अभी तक कभी हुआ नहीं है। मेरा यादगार से 15-20 साल पहले ऐसा हुआ था और इसके कारण ये बहुत ही आसमानी संकट है। अब इसमें लॉन्ग टर्म पर ये होने के बाद में भी हमारे प्रिवेंटिव मेजर, हमारी व्यवस्था ऐसी चाहिए कि फिर भी लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारी डेवलपमेंट लोअर लेवल लगे तो ही है और जब पानी ऊपर लेवल पर एक्सेल होता है पानी लोअर लेवल में घुस जाता है। तो नाग नदी का जो 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट है जायका का, उसमें ऑलरेडी ये सब डेवलपमेंट होने वाली है और 3 विधानसभा में ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम का भी प्लान है। अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब के साथ जब मीटिंग हुई तो ड्रिंकिंग वाटर के बारे में भी हम मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं और उसमें से 24 घंटे पानी देने की योजना दिसंबर तक उसका परफॉर्मेंस पूरा करने का हमारा टारगेट है। वैसे अब सुवेज और ड्रेनेज के लिए भी जो 3 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते नहीं वो कॉरपोरेशन और नेटी मिलकर पैसा देगी और तीनों का मिलकर एक मास्टर प्लान बनेगा और फिर उसके साथ करेंगे। और नाग नदी के लिए टेक्निकली ये एक अलग अलग ये रोड जो है ये पीडब्ल्यू ने किया है, हमने ये इरीगेशन ने बीच में ये जो दीवार बनी है इसको स्ट्रेंथन नहीं किया है। एनआईटी का कुछ रोल है, महापालिका का रोल है, कुछ जगह पर मेट्रो ने अभी ये काम किया, फिर पीडब्ल्यू ने काम किया, अलग अलग एजेंसी ने अपने को जितना करने का उतना किया हुआ। पर अब इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच में लॉन्ग टर्म पर ये प्रॉब्लम ना आए इसका अध्ययन करके टेक्निकली इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर।